भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले अब घटते जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार यहां पिछले 24 घंटे में 6,990 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे एक दिन पहले यहां संख्या 8,309 थी। बीते रोज 190 मौतें हुई हैं, जबकि उससे एक दिन पहले 236 मौतें दर्ज की गई थी। इसके अलावा सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,543 है, उसमें से एक दिन पहले ये 1,03,559 थी। वहीं वैक्सीनेशन बढ़कर 1,23,25,02,767 पहुंच गया है। कल लोगों को 78.80 लाख से ज्यादा डोज दी गई हैं, यानी सभी तरह के आंकड़ों ने राहत दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,116 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जबकि ये कुल आंकड़ा 3.40 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इसके साथ ही अब देश में सक्रिय मामले कुल मामलों के 1% से भी कम है, जो वर्तमान में 0.30 है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे कम है। मंत्रालय के अनुसार देश भर में कोरोना से अब तक 4.68 लाख मौतें हुई हैं। ये आंकड़ा दुनिया के कई देशों से कम है। एक और अच्छी बात यह है कि देश में ठीक होने की दर 98.34% है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे अधिक है। आज कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर केंद्र सरकार ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण राज्यों के साथ मीटिंग करेंगे। ये बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हो सकती है। इस दौरान ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियों पर चर्चा होगी, साथ ही टेस्टिंग और ट्रैकिंग बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। एक अधिकारी ने बताया है कि सरकार नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने पर काम करेगी। वहीं देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।